السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، एक सेकेंड वेट कीजिए. क्योंकि आज हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास हो गई है, तो इसमें मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जो मैं हमारे नोट्स में इंक्लूड नहीं करूँगा. ये टॉपिक मैंने पहले डिस्कस किया था एक बार, तो अगेन मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ. उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें कुछ वजाहत जो है आप लोगों के जहन में रहेगी. बट अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो फिक्र नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक इंशाल्लाह आगे भी आएगा. जब हम उसूल फिक्र पढ़ेंगे तब भी आएगा. ठीक है जी. दो वर्ड्स हैं, यकीन और जन. ठीक है जी, यकीन और जन. अगर पिछली कोई डिस्कशन हमारी याद हो, या आपका जो भी पहले पुराना फहम है उसके हवाले से अगर आप मुझे बता सकें कि इन दोनों में क्या फर्क है, यकीन और जन में, दोनों में क्या फर्क है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर. वालेकुम अस्सलाम. आपने बताया था कि इल्मुल यकीन, जिसका मुशाहदा इंसान ने खुद किया हो और ये हमें हवास से हासिल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंसान 100% हवास पर ही रिलाई करें और वो यकीनी तौर पर मतलब मौजूद हो वो चीज़, और जिस पर, और इल्मुल ज़न का आपने बताया था कि जिस पर इंसान को गुमान हो कि ऐसा ही हुआ होगा, जैसे कि कोई चीज़ दूर से अगर सफ़ेद लग रही है तो हम कहें कि हमारा मतलब गालिब गुमान यही है कि, जैसे आपने बोर्ड की एग्जांपल दी थी मुझे याद है कि ये सिल्वर लग रहा है, तो यानी हम, हमारा जन यही है, गालिब जन यही है कि ये सिल्वर ही है जैसा ये नजर आ रहा है, समथिंग लाइक दैट. सही, जज़ाकल्लाह खैरा. अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पुरानी बातें लोगों को याद है. अच्छा, कुरान में जो है ये जो जन का कलिमा है, जन, ये मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है. तो आप जरा सा सर्च करें, आप जरा सा सर्च करें और मुझे बताएं कि आपको अगर कुछ आयात ऐसी मिलती हैं जिसमें जन जो है वो डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल हुआ हो, दोनों में कम से कम दो आयात हो, और उन दोनों में जन जो है वो मुख्तलिफ मीनिंग में यूज हुआ हो. ठीक है जी, कुरान की कोई दो आयात जिसमें जन का वर्ड आया हो, अब वो हो सकता है फेल के इस्तेमाल में आया हो या इसम के इस्तेमाल में आया हो, जिस भी इस्तेमाल में आया हो, लेकिन दोनों आयात में दो जगहों पे डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल हुआ हो. ठीक है, थोड़ा सा सर्च करें और फिर यहाँ पे मैसेज कर दें या फिर हैंड रेज कर दें, तो मैं आपका एक सेकंड फीडबैक लेता हूं. एक सेकंड वेट कीजिए.
ठीक है, एक आयत जो आई है वो सूरह हुजरात, सूरह हुजरात की कौन सी आयत है? और हुजरात जो है हा से होता है। ये जो है वमा खलकना समा वल अर्ध वमा बैनहुमा बातिला, यहाँ की अंदर की आवाज मुझे कम महसूस हो रही है या है? ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, यहाँ पे ज़न जो है वो किस माने में है? मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न, यहाँ पे ज़न किस माने में है? इन्ना बादा ज़न्नी इस्मुन, क्या आपको इन आयात ज़न के माने में कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है? बिल्लाही वो कहाँ पे है? या ज़ुन्नून, जी सूरह बकरा की आयत है, अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ठीक है, सूरह बकरा की आयत नंबर 46 है, 45 थी, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और खाशिईन के बारे में आया अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम। तो ये जो वर्ड है ज़न का, अभी इस वक्त मैं ये बताना चाह रहा था कि ये ज़न जो है अरबी ज़बान में यकीन के माने में भी इस्तेमाल हुआ है, शक के माने में भी इस्तेमाल हुआ है, और इन दोनों के बीच के दर्जे के माने में भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कि यकीन किसी चीज पे तकरीबन 100% एतबार हो आपका, और शक जिसमें आप तरद्दुद में हो कि ऐसा है या वैसा है, और ज़न जो है वो इसके बीच के दर्जे के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, यानी आपको गालिब गुमान है कि ये बात ऐसी ही होगी लेकिन आप यकीन के दर्जे तक नहीं है। ठीक है, तो ये एक फर्क जो है थोड़ा सा बाद में डिफ्रेंशिएट किया गया किसी चीज को जानने के हवाले से। तो दो इस्तलाहात इस्तेमाल की गई, एक कहा गया इल्मुल यकीन और दूसरा कहा गया इल्मुज़्ज़न। العلم اليقيني والعلم الظني, ठीक है, कि एक इल्म यकीनी है और यकीनी के लिए एक और इस्तलाह जो इस्तेमाल होती है वो होती है अल-क़त्ई, ठीक है, जिसको हम क़त्ई तौर पे जानते हो या मानते हो कि ये 100% जो है ये बात वैसी ही है। जी फैन ऑन हो सकता है, एहसन भाई, एहसन भाई, एहसान, एहसान ये फैन जरा ऑन करो, या वो वाला तो कम से कम ऑन कर दे, वो ऊपर वाला, बल्कि इसको भी ऑन ही कर दो, गर्मी हो जाएगी, फैन सिर्फ, फैन यहीं से ऑन होता है, सारे बटन ऑन कर दो एक से, फिर भी नहीं ऑन हो रहा, चलो फिर वो लाइट्स तो बंद कर दो, ये दिखेगा नहीं, तो फिर इसको ऑन कर दो। जज़ाकअल्लाह खैर। ठीक है जी, ये इस्तलाहात कुछ अरसे बाद आई जहां पे इल्म यकीनी और इल्म ज़न्नी, या फिर इल्म क़त्ई और इल्म ज़न्नी जो है उसको अलग अलग किया गया, और कुछ चीजों के बारे में कहा गया कि ये यकीनी तौर पे हैं और कुछ चीजों के बारे में कहा गया कि ये ज़न्नी तौर पे हैं। ठीक है, ज़न्नी से मुराद शक नहीं था, ज़न से मुराद सिर्फ इल्म का वो दर्जा जो हम यकीन से कम रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और वजह क्या आई थी? वजह मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह ये थी कि भाई कुछ चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा सख्त या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ उसका आ रहा है, और कोई चीज ऐसी है जिसका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा। हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक हमने डिस्कस की थी अल खबर
अल मोता वातिर और दूसरी थी अल खबर अल वाहिद। ठीक है जी, इन्होंने क्या कहा कि अल खबर अल वाहिद पे तो आप अपनी शुरूत जो है वो चेक करें। कौन सी वाली शुरूत? शुरूतुल कबूल, जो हमने हदीस को एक्सेप्ट करने की जो शराइत डिस्कस की थी, पांच जो थी, इत्तिसाल सनद, अदाला, ज़ाबता, अदम शुज़ूज़ और अदम इल्ला, तो वो आप खबर वाहिद पे तो अप्लाई करें और सिर्फ उस खबर वाहिद को सही कहें या हसन कहें जो इन शराइत से गुजर चुकी हो। लेकिन अल खबर अल मुतवातिर जो है उस पे आपको शराइत लगाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली सही होंगी। क्यों कहा होगा उन्होंने ऐसा? बोर्ड अनक्लियर है, जी पहले इसको आप जरा सोचें और बताएं कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा होगा कि खबर मुतवातिर पर आपको शुरूत को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब भी अनक्लियर है या कुछ विजिबल हुआ है? जी, क्योंकि अगर आपको खबर मुतवातिर की शरायत याद हो तो उसमें क्या था कि एक तो ये कि उसको बहुत ज्यादा तादाद जो है वो रिवायत कर रही हो, वो तादाद हर तबके में हो और इतनी तादाद हो कि उसका किसी झूठी बात पर इत्तेफाक करना नामुमकिन हो। तो जब उनका झूठी बात पर इत्तेफाक करना ही नामुमकिन है तो उसमें उन्होंने कहा कि आपको ये शरायत चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप उसको ऑटोमेटिकली जो है वो सही कह देंगे। ठीक है, और ऐसी खबर जो है वो आपको इल्म यकीनी देगी जिस पे आपको शक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये ऐसी बात है इतने दर्जों से आई है, इतने लोगों से आई है कि इस पे शक करने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, बल्कि आप उसको 100% यकीन के साथ आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये बात ऐसी ही हुई होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके मुकाबले में खबर वाहिद जो है उसमें हमें ये यकीन का दर्जा नहीं मिल रहा, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि इससे हमें गालिब गुमान हमें मिल रहा है कि ये बात ऐसी हुई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इसमें जहन में एक ये आप कह लें डाउट तो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह रह जाती है कि भाई हो सकता है ऐसा ना हुआ हो। और खासकर खबर वाहिद की जो हमने किस्में की थी, खबर वाहिद की कितनी किस्में की थी? तीन थी। कौन कौन सी थी? मशहूर, अजीज और गरीब। तो मशहूर तो फिर भी चले किसी हद तक खबर मुतवातिर के करीब करीब आती है अगर डायरेक्ट ना भी है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो गरीब है, यानी उनके मुताबिक, अभी मैं उनके मुताबिक कह रहा हूं। और गरीब क्यों सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? गरीब क्यों सबसे ज्यादा इस मामले में प्रॉब्लमेटिक होगी कि उससे हमें गालिब गुमान तक ही हम पहुंच सकते हैं, यकीन तक नहीं पहुंच सकते? ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? क्योंकि इसमें किसी न किसी दर्जे में सिर्फ और सिर्फ एक रावी आ रहा है। ठीक है, चूंकि इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ एक रावी आ रहा है और इंसानी तौर पर ऐसा मुमकिन है कि वो एक इंसान गलती कर सकता हो, उससे हो सकता है कोई चीज मिस हो गई हो, कुछ आगे पीछे हो गया हो, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई इसको जो है आप एक अलग दर्जे पर रखें और इससे आप इल्म का जो दर्जा है वो जन के लेवल तक ही लाएं, उसको आप यकीन का दर्जा ना दें। ठीक है, अच्छा, अब इस कैमरा शेक कर रहा है, कैमरा इस वजह से शेक कर रहा होगा क्योंकि कैमरा पंखे के बिल्कुल नीचे है आज, और पंखा मोहतरम जो है क्या किया जाए, कोई हल है? अगर चल सकता है आज तो चला लें, क्योंकि आज यहाँ पे लाइट नहीं है तो जनरेटर पे जो है वो इस हद तक ही हम चला सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, उम्मीद है कि प्रॉब्लम जो है वो आपको क्लियर है कि प्रॉब्लम क्या है।
उन्होंने खबर मुतवातिर और खबर वाहिद के यकीन या उस पर एतबार के दर्जे में फर्क करने के लिए ये दो इस्तलाहात मुतारिफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि खबर मुतवातिर जो है वो हमें यकीन के दर्जे तक ले जा सकती है, लेकिन खबर वाहिद को हम ये नहीं कह सकते कि वो यकीन के दर्जे तक ले जाएगी, बल्कि हम उसको कहेंगे कि वो हमें इल्म जन या जन्नी दर्जे तक ही पहुंचा सकती है, गालिब गुमान हमारा ये रह सकता है। और इसमें खासकर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो आएगा इस हदीस गरीब पे, क्योंकि इसके किसी ना किसी दर्जे में, किसी ना किसी तबके में हमारा एतबार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रावी पर है, जबकि इसके मुकाबले में खबर मुतवातिर को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो है हमारे पास एक अदद कसीर है, एक तादाद है जिससे लोग रिवायत कर रहे हैं, तो उसमें हमारा दर्जा जो है वो यकीन तक पहुंच सकता है। ठीक है जी, ये इन्होंने एक फर्क किया। अच्छा, अब इससे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स कहां पे जनरेट होना शुरू हुए, प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हुए। अब इसमें जो है ना कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी होगी फिकह की एवोल्यूशन की, कि फिकह जो है वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई। ठीक है, पहले क्या होता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, कि जब सहाबा को कोई भी मसला आता था दीन के किसी मामले के हवाले से, तो वो क्या करते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अवेलेबल ना हो तो अपने से ज्यादा कोई इल्म वाला होता था तो उससे पूछ लिया या किसी से मशवरतन पूछ लिया, लेकिन जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक्सेस हुआ तो उनसे कंफर्म करा लिया। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म कर दिया तो उनके पास क्या आ गई, एक मोहर आ गई। किस चीज की मोहर आई, ये चीज समझना जरूरी है, जिसमें मैंने एक आपको अगर याद हो एक डिफरेंस कराया था, एक है किसी चीज का साबित होना या उसका सबूत और एक चीज है उसकी दलालत। ठीक है, मैंने अगर क्लास में कहा कि मुझे खामोशी चाहिए, ठीक है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कहता है कि हमारे उसूल हदीस के टीचर ने कहा था कि उनको क्लास में खामोशी चाहिए, अब ये बात मुझसे साबित है या नहीं। ठीक है, ये किस तरह हम चेक कर सकते हैं, अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये बात मुझसे साबित है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। एक तो मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मैंने कहा था या नहीं कहा था, ये एक दर्जा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे स्टूडेंट से आप पता कर सकते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं कहा था। और तीसरा क्या हो सकता है, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं रिकॉर्डिंग चेक करके कि आपने पास्ट की रिकॉर्डिंग चेक कर ली, उसे मैंने ऐसा कहा था या नहीं कहा था। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर हाइपोथेटिकली ये तीन ही तरीके हैं हमारे पास और तीनों एक ही बात कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, मैं भी कहूं, दूसरे स्टूडेंट्स भी कह रहे हो, रिकॉर्डिंग से भी साबित हो, तो ये हमारे एतबार से क्या यकीन के दर्जे तक पहुंच गया। अगर इसमें से ऐसा हो कि मैं कह रहा हूं और रिकॉर्डिंग कह रही है लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, यानी कोई स्टूडेंट है वो मना कर रहा है, तो अब हमारा गुमान किस चीज की तरफ जाएगा, अब हमारा गुमान क्यों जाएगा, यकीन क्यों नहीं हो सकता। क्या ऐसा है कि अभी भी यकीन रहेगा कि अगर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं टीचर ने ऐसा नहीं बोला था, टीचर कह रहे हैं कि मैंने ऐसा बोला था और रिकॉर्डिंग में भी है कि उसने ऐसा बोला था, रिकॉर्डिंग से यकीन आ जाएगा। अगर मैं रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज भी ऐसे निकाल दूं और मैं कह दूं कि आपने भी कहा था, फिर वीडियोज भी एडिट हो जाती है, ऑडियोज भी एडिट हो जाती है, पूरी पूरी फिल्म बन जाती है, फिर हो सकता है ना ऐसा। ये चूंकि हो सकता है इस वजह से हम यकीन के दर्जे पे नहीं जाएंगे,
मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास इल्म हासिल करने के इस बारे में सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटीज थी, एक टीचर, स्टूडेंट्स और रिकॉर्डिंग, तो अगर एक भी मना कर रहा है कि भाई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टीचर ने ऐसा नहीं बोला था, तो एक पॉसिबिलिटी है कि मैं कहूँ कि हाँ मैंने ऐसा बोला था और मैं जाके रिकॉर्डिंग को एडिट करवा दूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना, जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन चूंकि ये पॉसिबिलिटी है इसलिए जहन में क्या आएगा कि भाई इसको यकीन के दर्जे तक ना ले जाओ, इसको गालिब गुमान के दर्जे तक रखो। अगर इनमें से दो कह दें, टीचर भी कह रहा हूं कि मैंने ऐसा नहीं बोला है और स्टूडेंट्स भी कह रहे हो ऐसा नहीं बोला है, लेकिन रिकॉर्डिंग कह रही है कि ऐसा बोला था, तो अब भी क्या हुआ, अब हमारा उससे भी एक और दर्जा कम हो गया। ऐसा भी मुमकिन है कि टीचर और स्टूडेंट्स को सही याद ना हो लेकिन रिकॉर्डिंग ने सही कैप्चर किया हुआ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट को भी सही याद हो कि टीचर ने नहीं बोला है, टीचर को भी सही याद हो कि उसने नहीं बोला है, लेकिन आईटी के किसी डिपार्टमेंट ने कहीं पे एडिटिंग करके उसको ये साबित करा दिया, तो कहीं ना कहीं एक जा सकता है कि भाई शक आ सकता है, ठीक है, यानी जन के दर्जे पे ये जा चुका है। तो इस बात का साबित होना कि मैंने ये कहा है या नहीं कहा है कि खामोशी इख्तियार करें, ये एक अलग बात है, इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। हम क्या चेक करेंगे, अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम हदीस की बात करें तो हम उसकी सनद चेक करेंगे, अगर हम किताबत चेक करेंगे तो उसका भी फिर अपना तरीका होगा, ठीक है, कि किताब से ये साबित है या नहीं। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि मैंने कहा है कि खामोशी इख्तियार करें, ठीक है, हमारे इस पे यकीन आ गया कि मैंने ये कहा है कि खामोशी इख्तियार करें, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स मेरी क्लास में खामोश रहें, अब मैं क्लास में कोई सवाल करूं कि भाई आप मुझे ये बात बताएं और आप मेरे सामने कुछ ना बोलें और मैं आपसे वापस बोलूं कि भाई मुझे बताएं क्या बात है और आप मुझे जवाब ना दें और मैं थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाऊं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊं, मैं गुस्से में आपसे कहूं कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे और आप मुझे कहें कि भाई आपने कहा था कि आपको क्लास में खामोशी चाहिए, तो क्या ये बात सही है कि मैंने कहा था कि मुझे क्लास में खामोशी चाहिए? ये बात सही है कि मैंने कहा था मुझे क्लास में खामोशी चाहिए, लेकिन मेरी इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट पे आपका अप्लाई करना क्या ये सही है या नहीं है? ठीक है, ये एक अलग सवाल है। एक ये है कि मेरी ये बात कहना साबित है या नहीं, ये एक अलग मामला है, लेकिन ये बात कि मेरी इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से आप समझें, इसकी दलालत ये है, यानी आपने जो कहा था इससे आपकी मुराद ये थी कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी मुझे खामोशी चाहिए, क्या मेरा ये मुराद थी? या मेरी ये मुराद थी कि अगर मैं स्टूडेंट से कुछ पूछूं तब भी वो मुझे एहतरामन कुछ ना कहें, खामोश रहे, क्या मेरी ये मुराद थी? या मेरी ये मुराद थी कि क्लास में स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से बगैर वजह के बातें ना करें? या मेरी ये मुराद थी? अब मेरी क्या मुराद थी उसको आप किस तरह अप्लाई करते हैं ये कहलाएगी उस बात की दलालत। ठीक है, कि मेरी इस बात का ये माना था, उसकी ये मुराद थी, ये आपको कैसे पता चल रहा है कि आप सही उसको अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कुरान की आयत क्या है, वो अकीमुस्सलाता, ठीक है, वो अकीमुस्सलाता। अब कुरान की आयत है तो क्या ये साबित है या नहीं है? साबित है। खबर मुतवातिर से साबित है या खबर वाहिद से साबित है? कुरान जो है वो खबर मुतवातिर से साबित है या खबर वाहिद से साबित है? अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को छोड़ दें तो उसके बाद मुतवातिर साबित है। कुरान जो है वो मुतवातिर साबित है, जो किरात मशहूरा है वो जो है मुतवातिर साबित है। ठीक है, तो उनका सबूत क्या हो गया? यकीनी, यानी इस आयत का सबूत क्या हो गया? यकीनी। ठीक है, क्योंकि ये आयत है, कुरान मुतवातिर साबित है तो इसका सबूत हो गया यकीनी। मैं कहूं कि अस्सलात जो है कलिमा, अस्सलात जो है, मैं आपको पुराने जमाने की भी अरबी डिक्शनरी दिखा दूंगा, अहले अरब का, अहले लुगत का, उनका कलाम भी दिखा दूंगा कि उन्होंने कहा है कि सलात का मायना क्या होता है? अद्दुआ। दुआ में हमजा आता है नहीं आता? सलात का लुगत में माना होता है अद्दुआ। दुआ का माना क्या होता है? पुकारना।
पुकारना, ठीक है। और मैं कहूं कि जहां पे अल्लाह ताला ने कहा है अकीमुस्सला, इसका माना है कि अल्लाह ताला को पुकारो, अल्लाह ताला को पुकारो। कैसे पुकारो? आप खड़े होके पुकारना चाहो खड़े होके पुकारो, आप बैठ के पुकारना चाहो आप बैठ के पुकारो, आप सुबह पुकारना चाहो आप सुबह पुकारो, शाम में पुकारना चाहो आप शाम में पुकारो, जब आपकी मर्जी आप पुकारो। क्योंकि कुरान कैसे साबित है? यकीनी तौर पे साबित है। ये आयत क्या है? यकीनी है, अकीमुस्सला। अब आप एक हदीस लाते हो और उसमें आप कहते हो कि नमाज जो है वो पांच वक्त पढ़नी है, नमाज जो है वो पांच वक्त पढ़नी है, और ये है हदीस, और अज्यूमिंग कि ये हदीस अगर मुतवातिर नहीं है बल्कि खबर वाहिद है, तो फिर ये किस दर्जे तक पहुंचेगी? जन्नी दर्जे तक पहुंचेगी। एक जगह पे मेरे पास यकीनी आयत है कि अल्लाह ताला को पुकारो, दुआ को कायम करो, और इसमें अल्लाह ताला ने कोई लिमिटेशन नहीं रखी है कि दिन में कितनी बार पुकारना है। अल्लाह ताला ने कुछ नहीं बोला है कि इतनी बार पुकारना है या उतनी बार पुकारना है या इस कैफियत में पुकारना है या उस कैफियत में पुकारना है। अल्लाह ताला ने कहा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, ऐसा ही है। और सलात का मैंने आपको लुगत में माना बता दिया कि सलात का माना है दुआ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को पुकारो, और अल्लाह ताला ने कोई लिमिटेशन आपको नहीं लगाई कि आपको कब पुकारना है, या ना ये लिमिटेशन लगाई कि उसको कब नहीं पुकारना। क्या अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई खास टाइम है जब अल्लाह ताला को मत पुकारो? क्या अल्लाह ताला ने कहा है कि जब जवाल का टाइम हो तो अल्लाह ताला को मत पुकारो? नहीं कहा अल्लाह ताला ने। आप हदीस लाते हैं जो कि हदीस कहती है कि अल्लाह ताला को यानी पांच बार नमाज मतलूब, पांच बार सलात मतलूब है, पांच बार सलात मतलूब है। वो हदीस कौन सी है पांच सलात की? कौन सी हदीस है पांच सलात की? आपने किताबो तौहीद में पढ़ी होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको भेजा था? माज़ बिन जबल को भेजा था। उनको क्या बोला था? किस तरफ बुलाना? तौहीद की तरफ बुलाना। फिर जब वो मान जाएं, फिर अगर वो मान जाए तो उनको क्या बताना है? किताबो तौहीद है, नहीं बुनियल इस्लाम अला खमसिन की मैं बात नहीं कर रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था माज़ बिन जबल को, फदउहुम वो हदीस के कलिमात क्या हैं जो किताबो तौहीद में आपके पास मौजूद है? अगर मुझे सही तरह याद है तो, हो सकता है मेरी मेमोरी खराब हो। नहीं है माज़ बिन जबल वाली हदीस? यार उर्दू में तुसी ढूंढ रहे हो, ऐ तो जुल्म है यार। चलें ढूंढ लें, ढूंढ लें। दावत की जो है उसकी तरफ दावत देने वाली जो हदीस है, आपको अगर मिल गई है तो बताएं, यहाँ पे टाइप कर दें चाहे तो, ये उसके कलिमात बताएं कि हदीस के क्या कलिमात है। सर ये है कि या माजू तदरी मा हकुवा या अली बात, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल को भेजा था और फिर उनको कहा था फदउहुम इला आई, सर ये था कि इन्नका ताती कौमन मिन अहले किताबी फलयकुन अव्वला, ये वाली हदीस है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप, और इसमें खम्सा सलातिन फी कुल यौमिन वलैल, ठीक है, अल्लाह ताला ने तुम पे फर्ज की हैं पांच नमाजें, फी कुल यौमिन वलैलतिन। अब ये जो है पांच के अल्फाज कहाँ से आ रहे हैं? हदीस से आ रहे हैं, कुरान से नहीं आ रहे।
और हदीस जो है वो इस मामले में अगर जन्नी है, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है मुतवातिर, मेरा नहीं ख्याल के मुतवातिर है, लेकिन अगर खबर वाहिद है तो ये जन्नी है, तो वो क्या कहेंगे कि एक जगह पे यकीनी आयत है और एक जगह पे जन्नी हदीस है, तो किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? वो क्या कहेंगे, यकीनी आयत है, आयत को प्रायोरिटी दें और हदीस को क्या करें आप? ऐसे बहुत से मामलात हैं जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप जो हदीस कह रहे हैं वो हदीस अपनी जगह पे सही होगी, लेकिन हदीस क्या होती है, कैसा इल्म देती है? इल्म जन्नी देती है, और कुरान की आयत क्या देती है? कतई देती है। तो अगर अल्लाह ताला ने क्या कहा कुरान में, फकरा मा तयसर मिन अल कुरानी, क्या कहा फकरा, तुम पढ़ो मा तयसर मिन अल कुरानी, जो क्या हो तुम्हारे लिए तयसर। युसर किसको कहते हैं? आसानी। मा तयसर मिन अल कुरानी, तुम्हारे लिए जो आसान हो वो पढ़ो। एक बात अल्लाह ताला ने ये कही, दूसरी बात अल्लाह ताला ने क्या कही, वइजा कुरी अल कुरानु, तो क्या करो जब कुरान पढ़ा जाए तो क्या करो, फस्तमीउ उसको गौर से सुनो, वन सुतु और क्या करो, खामोशी इख्तियार करो। ये दोनों आयात कहां की हैं? कुरान की हैं। कुरान कैसा है? यकीनी है। अब आप इसको एड ऑन करते हो और आप कहते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा, खिड़की बंद कर दीजिएगा फिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि नमाज में क्या पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, ठीक है? आप कहते हैं कि हदीस में आता है सूरह फातिहा पढ़ें, हदीस कैसी होती है, या अक्सर अहादीस जो है वो खबर वाहिद होती है, खबर वाहिद कैसा इल्म देती है, जन्नी इल्म देती है, और हम आपको आयत बता रहे हैं, आयत कैसा इल्म देती है, यकीनी इल्म देती है, तो हम किस पे अमल करें, यकीनी इल्म पे अमल करें या जन्नी इल्म पे अमल करें? मसला समझे? ये फर्क करके कि एक चीज यकीनी है और दूसरी चीज जन्नी है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि उन्होंने इस तरह के मसाइल में बहुत सारी खबर अहादीस जो कि मुतवातिर नहीं थी, खबर वाहिद थी, उन्होंने ये कह के भाई ये तो खबर वाहिद है, और खबर वाहिद जो है वो कैसा इल्म देती है, जन्नी इल्म देती है, तो इसको आप छोड़ के ऐसी चीज पे अमल लाए अपना जो कि यकीनी इल्म देती है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा अमल तो कुरान के मुताबिक है जो इल्म यकीनी देती है, और आप हमें बोल रहे हो कि इल्म यकीनी को छोड़ के इल्म जन्नी पे आओ, तो इसलिए बहुत सारे मामलात में उन्होंने क्या कहा कि भाई ये हदीस चाहे साबित हो लेकिन हदीस जो है वो खबर वाहिद है, और खबर वाहिद जो है वो जन्नी इल्म देगी, तो इसलिए हम इसको छोड़ के हम उस चीज पे अमल करेंगे जो कि यकीनी इल्म दे रही है। और मैंने आपको क्या बताया कि ये चीज अलग है कि एक चीज साबित है या नहीं, इसमें यकीनी और जन्नी का फर्क अलग मामला है, लेकिन एक बात जो आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला की कुरान में मुराद ये है या नहीं, ये एक अलग इल्म है कि उसकी जो दलालत है या उसका माना जो है वो यकीनी है या जन्नी है, ये एक अलग मामला है। क्यों अलग मामला है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक ही बात कही तो उनके लिए सबूतन क्या था, यकीनी था। किसने बात कही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। कैसे पता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, हमने खुद सुना था, तो उनके लिए ये सबूत क्या था, यकीनी था। लेकिन आगे जाके इख्तलाफ हो गया कि नमाज इधर पढ़नी है या उधर पढ़नी है, बात दोनों ने यकीनी तौर पर सुनी थी लेकिन उससे मुराद क्या थी, उसमें क्या आ गया, इख्तलाफ आ गया। अब एक ग्रुप कह रहा है कि हमारा समझना है कि उनकी मुराद ये थी, और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि हमारे समझना है कि उनकी मुराद ये थी। तो एक चीज का साबित होना यकीनी तौर पे या जन्नी तौर पे, ये इस चीज को नेसेसेट नहीं करता, यानी इससे ये लाजिम नहीं होता कि आप इसको जिस तरह अप्लाई करना चाह रहे हो वो भी उसी तरह साबित है या नहीं। अब कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं के फकरउ मा तयस्सर मिनल कुरान, और अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं इदा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू वानसितु,
लेकिन क्या इसकी ये जो दलालत आपने करी है जिसकी बुनियाद पे आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उस पर अमल नहीं कर रहे, ये आपकी दलालत जो है ये किसने आपको गारंटी दी है कि ये यकीनी है? उनके पास तो फिर भी क्या था, उनके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि भाई मेरी ये मुराद थी, मैं ये समझा था आपकी बात से, मैं ये समझा था, क्या आपकी मुराद ये थी या नहीं थी? कहीं पे हो सकता है अल्लाह के नबी ने क्लैरिफाई कर दिया, जैसे कि वो सहाबी का मशहूर किस्सा है कि जब अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों के बारे में क्या कहा कि खाओ पियो, किस वक्त तक खाओ पियो, जब तक कि सफेद धारी काली धारी से डिफ्रेंशिएट ना कर सको। आयत क्या थी? यकीनी थी। सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आयत को और उन्होंने जाके अप्लाई किया किस चीज पे, उन्होंने अपनी बेड साइड पे दो धागे रख दिए और उन्होंने उस तरह उसको समझने की कोशिश की। उनको करेक्शन क्या मिल गई कि भाई ये जो आपने इसका माना समझा है इससे ये मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद जो आसमान की धार है वो मुराद है। तो उनकी जो दलालत थी अब वो यकीनी हो गई, क्योंकि किससे कंफर्मेशन आ गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंफर्मेशन आ गई। तो इस चीज को कि भाई एक चीज साबित है यकीनी तौर पे, आप इसको इस चीज से कंफ्यूज ना करें कि इससे जो आप मुराद ले रहे हैं वो भी यकीनी है। अकीमुस्सलाता, ये बात यकीनी तौर पे साबित है, लेकिन आपका ये मुराद लेना कि यहाँ पे सलात से मुराद जो है वो दुआ है और दुआ से मुराद है अल्लाह ताला को पुकारना, तो अल्लाह ताला सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह ताला को पुकारो और इस बुनियाद पे आप ये कहो कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि पांच नमाजें हैं फर्ज की गई, ये कोई बात नहीं है क्योंकि ये कुरान के मुखालिफ है। तो ये कुरान के मुखालिफ नहीं है, बल्कि ये क्या है, कुरान की तफसीर है कि कुरान को समझना कैसे है। अल्लाह ताला ने जब एक बात कही, जो अगर आपको याद हो, यानी मैं कोई तशबीह नहीं दे रहा, सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए, कि टीचर ने बात एक कही थी लेकिन टीचर की मुराद कौन सी थी कौन सी नहीं थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी कि अल्लाह ताला ने जो कलाम भेजा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत करके बताएं कि उनकी अल्लाह ताला की मुराद क्या थी। इन्ना अनज़लना इलैक ज़िक्र, हमने आप पे नाजिल किया जिक्र को, और उसके आगे क्या बयान कर दिया, लितु बय्यना लिन्नास, कि आप क्या करें, बयान करें, वाजे करें लोगों को। क्या वाजे करें लोगों को? आयत अरबी में आ रही है, अहले अरब है तो वाजे क्या करेंगे, वाजे ये करें कि जबान होने के बावजूद अल्लाह ताला की यहाँ पे मुराद क्या है वो लोगों को वैसे समझ नहीं आएगी। अल्लाह ताला चाहता है तो अल्लाह ताला आसमान से, जिसको हम 30 पारे कह रहे हैं या 114 सूरते कहें, अल्लाह ताला किताबी फॉर्म में नाजिल कर देता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला चाहता तो एक पूरा के पूरा कुरान एक साथ नाजिल कर देता, जब आप पैदा हुए मैं पैदा हुआ तब पूरा कुरान नाजिल हो चुका था ना। अब हमसे तो एक्सपेक्टेड यही है ना कि हम पूरे के पूरे कुरान को एक साथ देखेंगे, लेकिन जब कुरान नाजिल हो रहा था तब इस तरह क्यों नाजिल नहीं हुआ, तब क्यों कुछ 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 बाज आयते या सूरते करके नाजिल हुआ? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान को साथ साथ सिखा रहे थे कि इससे क्या मुराद है, इससे क्या मुराद है। तो एक चीज का यकीनी या जन्नी तौर पे अगर आपको ये डिफ्रेंशिएशन करनी भी है कि भाई एक से हम इल्म यकीनी हासिल होता है, एक से इल्म जन्नी भी हासिल जन्नी हासिल होता है, तो सबूत के एतबार तक तो आपकी बात सही है, फर्क कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप उसकी दलालत पे आते हैं कि भाई आप एक आयत को इस तरह समझते हैं कि आप उसकी वजह से एक हदीस को आप अमल नहीं करते उस पर, उसको आप रद्द कर देते हैं, या फिर कुछ जगहों पे आप यही कह देते हैं कि अगर खबर वाहिद इस फला बाब से आएगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कि अगर अकीदे में कोई मामला ऐसा आएगा जो सिर्फ खबर वाहिद से साबित हो तो उस पर हमारा यकीन करना लाजमी नहीं है। ये जो आपने मसला अखज किया है या ये जो आप अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे हैं, ये आप एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन के शिकार हैं कि साबित होना एक चीज का अलग बात है और उसका एक चीज पे दलालत करना एक अलग बात है। अगर एक सहाबी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें कोई बात कर रहे हैं और हमने अपनी तमाम शुरूत से चेक कर लिया है कि जो हम तक बात पहुंची है उसमें सनद मुत्तसिल है, तमाम रावी आदिल हैं, तमाम का जाब्ता जो है वो काबिल एतबार है, कोई इसमें मुखालफत नहीं कर रहा, शाज नहीं है, कोई इसमें छुपा हुआ हिडन डिफेक्ट नहीं है, कोई इल्लत नहीं है, तो उसके बाद हम इस हदीस को क्यों कबूल ना करें, हम इस बात पे क्यों ईमान ना लाएं? हाँ, हम ये करने की कोशिश करें कि अगर हमें कहीं पे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं कुरान की आयत में या कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में और दूसरे कौल में अगर किसी तरह का जाहिरी तआरुज लग रहा है,
ज़ाहिरी तआरुज़ किस तरह है, अल्लाह ताला कह रहे हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो जाओ और अनसतु यानी गौर से सुनो और खामोश हो जाओ। और इस बुनियाद पर अगर आप ये कह दो कि यार वो हदीस जो आ रही है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला सलात लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, कि उसकी नमाज नहीं जिसने फातिहा नहीं पढ़ी, तो आप कह रहे हो कि भाई ये उसके चूंकि मुखालिफ जा रही है, कुरान यकीनी तौर पर साबित है, खबरे वाहिद जन्नी तौर पर साबित है, इसलिए इस हदीस पर अमल नहीं होगा बल्कि कुरान पर अमल होगा। ये अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं एक फॉल्ट आ रहा है। आपने इसको अंडरस्टैंड किस तरह करना है कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो बात की है उसकी एक्सप्लेनेशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो जहां पे अगर अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि इस जगह पे खामोश रहना है, इस जगह पे ये पढ़ना है या कुरान से जो आसान हो, इसको एक्सप्लेन किसने किया है कि कहाँ पे कितना खामोश रहना है। जब आप कुरान का हल्का बनाते हैं कहीं पे भी हिफ्ज हो रहा होता है, किसी भी मसलक में, किसी भी फिका में, किसी भी दुनिया के इदारे में हिफ्ज हो रहा होता है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हो उनमें से कितने एक साथ कुरान पढ़ रहे होते हैं? अगर 10 स्टूडेंट्स होंगे तो एक वक्त में आमतौर पर कितने एक साथ पढ़ रहे होंगे? कम से कम 5-6 तो पढ़ रहे होंगे ना, कम से कम। वैसे तो 10 के 10 पढ़ रहे होंगे आमतौर पर, लेकिन चले 5-6 भी पढ़ रहे हो, 2-3 भी पढ़ रहे हो, तो वहां पे ये कायदा क्यों नहीं लगाते कि अल्लाह ताला ने कहा जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोश रहो और उसको सुनो, तो क्लास में जब एक भी बच्चा पढ़ना शुरू करे तो बाकी 9 खामोश हो जाए? ऐसे किसी ने कहा है? ऐसा नहीं कहते। वहां पर ये मुराद अलग ले लेते हैं। भाई जब आप अपनी क्लास में ये काम कर सकते हो कि आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला की यहाँ पे ये मुराद नहीं है कि आप और अगर हम दोनों, यानी जो जो आपने देखी होगी कुरान खानियां होती हैं, ये खत्म फला खत्म वो वाला खत्म, तो उसमें क्या होता है सब बैठे हुए साथ पढ़ रहे होते हैं ना, वहां पे ये क्यों नहीं कहते आप ये बात कि भाई एक बंदा भी अगर पढ़ रहा हो तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप बाकी सारे खामोशी इख्तियार करके गौर से सुने उसको? जब वहां पर आप ये रूल अप्लाई नहीं करते तो इस मामले में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर एक बात को कही है, आप वैसे खामोश रहे, लेकिन जिस मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक एक्सेप्शन जनरेट करके दी है उसको आप इससे क्यों टकरा रहे हैं, और उसको आप ये क्यों कह रहे हैं कि यकीनी तौर पे साबित है, एक जन्नी तौर पे साबित है तो यकीनी बात को हम लेंगे? आपका ये जो उसको अप्लाई करना है इसकी आपके पास कोई गारंटी नहीं है, इसकी भी आप जो दलालत ले रहे हैं आप उसको यकीन के दर्जे पर ना रखें, आप उसको भी जन के दर्जे पर लाएं और फिर जन का जन से मुकाबला करें अगर करना ही है तो। ये बात क्लियर है कि ये फर्क अगर करना भी है, वैसे तो ये फर्क बहुत बाद में आया है, पहले सहाबा जो है वो ये फर्क नहीं करते थे कि भाई हमें ये बात एक बंदे ने बताई है तो अलग मामला है, 5 बंदे बताएंगे तो अलग मामला होगा। बात साबित हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो हम कबूल करेंगे, अमल भी करेंगे। एक तो ये फर्क अगर आपको करना भी है तो इसको ये ना करें कि साबित होने को उसकी दलालत से कंफ्यूज करके जहां पे आपको लगे कि भाई हमारा जो मौकफ है वो कुरान की आयत के मुताबिक हो सकता है तो आपने हदीस को अमल ना करने के लिए आपने हुज्जत ये बना ली कि भाई ये हदीस क्योंकि खबर वाहिद है इसलिए इस पे हम अमल नहीं कर सकते, ये जन्नी सबूत है तो इस वजह से हम इसको कतई सबूत से मुखालफत करा के कतई पे हम अमल करेंगे और जन्नी को हम छोड़ देंगे। तो ये फर्क करने की वजह एक तो ये आई कि आपने ये खुद डिफ्रेंशिएशन क्रिएट की और फिर इसकी वजह से आप बहुत सारी खबरें वाहिद अहादीस हैं जिनका आप इनकार कर रहे हैं, फिर कुछ आपने टॉपिक्स ही ऐसे कह दिए कि भाई ये टॉपिक में तो अगर खबरें वाहिद आएगी तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर वो सारी जो शुरूत होती हैं उनका क्या फायदा रहा? और कितने ही ऐसे मामलात हैं जो खबरें वाहिद से साबित हैं उनके लिए फिर एक अलग एक्सेप्शन जनरेट की, जैसे कि कौन सी हदीस बहुत मशहूर है खबरें वाहिद से साबित है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब वो कितने सहाबा रिवायत करते हैं? एक सहाबी रिवायत करते हैं तो वो तो गरीब हुई तो वो भी जन्नी उद्दलाला होनी चाहिए थी, लेकिन उसको हर कोई मानता है और हर कोई भी इस दर्जे में मानता है कि उससे कवायद पूरे पूरे अखज किए जाते हैं कि अमाल का दारोमदार नियत पर है, तो वहां के लिए एक अलग एक्सेप्शन जनरेट कर लेते हैं कि भाई सहाबी अगर अलग होंगे यानी सहाबी के लेवल तक ही अगर ये होगा तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बाद में वो मशहूर हो गई फिर। और ऐसा ही मामला कहीं पर दूसरे सहाबी के साथ आएगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि वो उनकी बात जो है किसी आपके एक्सेप्टेड कॉल के मुताबिक या आपके किसी इमाम के मुताबिक नहीं होगी, तो फिर वहां पे क्या कह देंगे कि ये सहाबी जो है ये गैर फकीह हैं। गैर फकीह का क्या मतलब होता है? गैर फकीह का मतलब होता है फिक्ह, किसको कहते हैं? फिक्ह कहते हैं समझ को।
और एक होता है फहम, फहम होता है एक सतही लेवल का फहम, यानी सतही लेवल की बात समझ जाना, और फिक्र क्या होती है कि उसकी गहराई से उसको समझना। मिसाल अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक आयत नाजिल की, एक सूरत नाजिल की, कौन सी, इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसबिह बिहमदि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। अब इस पे बहुत सारे सहाबा खुश हो रहे हैं, लेकिन एक सहाबी है उनको इस बात पे गम हो रहा है। उनको क्यों गम हो रहा था, सब तो खुश हो रहे हैं, सबको क्या समझ में आया कि भाई अल्लाह की मदद आ गई है, दीन को फतह मिल गई है, हम कामयाब हो गए, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या बात समझ में आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन था, वो अब पूरा हो गया, तो अल्लाह ताला ने अब क्या किया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। तौबा क्या होता है, पलटना, तो वो बेहतरीन तव्वाब है। तो अब क्या करना होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलटना होगा, तो आपके पलटने का टाइम आ गया। वो इस बात को जो समझे हैं, ये दूसरों को जाहिरी तौर पर समझ नहीं आई उस वक्त। तो फिक्र और फहम में थोड़ा सा एक फर्क होता है, फिक्र कहते हैं गहरी अंडरस्टैंडिंग को। तो कहीं पे किसी हदीस पे अमल नहीं करना था, तो वहां पे एक एक्सेप्शन क्या जनरेट कर दी कि ये जो रिवायत करने वाले सहाबी हैं ये गैर फकीह हैं माजल्ला, कि भाई उनको जो है इसकी गहरी समझ नहीं आई। और अगर सहाबी को समझ नहीं आई तो अल्टरनेटिवली किसको समझ में आई, हमारे इमाम को समझ में आ गई। सहाबी को समझ में नहीं आई, हमारे इमाम को समझ में आ गई। और कहीं पे अगर उस हदीस पे अमल करना है तो आपने कह दिया कि हाँ भाई सहाबा के लेवल तक तो वो खबरें आई थी, लेकिन उनके बाद वो मशहूर हो गई, अब वो मशहूर जो है वो एक्सेप्टेबल है। और कहीं पे अमल नहीं करना तो कह दिया कि भाई वो आयत यकीनी है, आयत कतई है, और ये जन्नी है, और इस वजह से हम इस पे अमल करेंगे और इस पे अमल नहीं करेंगे। और जब हम इंशाल्लाह फिकह में जाएंगे तो ऐसे बहुत से मामलात आएंगे, उसमें फिर हम एक और टॉपिक जब पढ़ेंगे मुतलक मुकय्यद या इस तरह की बातों को किस तरह हल करते हैं, तो वहां पर फिर हम और गहराई में देखेंगे कि कितने ही मामलात ऐसे हैं जहां पे इस फर्क को बुनियाद बना के अपनी जो बात पे कायम रहना था उसको घुमा फिरा के ऐसा रूल बना दिया कि वहां तक पहुंच जाए। यानी अगर एक रोड सीधी जा रही है और उनको राइट की तरफ जाना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि सीधी जाने वाली रोड पे बैरियर्स ले आए, भाई इसके साथ ये इशू है, इसके साथ ये इशू है, और टर्न करना है तो किधर करना है, सिर्फ और सिर्फ राइट पे करना है। क्यों, क्योंकि हम वहां पर पहुंचे हुए हैं। असल हक क्या था कि आप जो अंडरस्टैंडिंग करें कुरान की, सुन्नत की, अहादीस की, वो आप इस सोच से हट के करें कि भाई हमारे जानने वाले ने क्या बात इससे अखज की है, हमारे जानने वाला किस बात तक पहुंचा था, बल्कि आप किस बात पे कहें कि जो रूल्स हैं उनके एतबार से भाई अगर इतना यकीन है कि हमने चेक कर लिया कि सनद मुत्तसिल है, हर कोई आधे शख्स है, हर किसी का जाब्ता मजबूत है, कोई मुखालफत नहीं कर रहा, कोई हिडन डिफेक्ट नहीं है, तो उस बात को मानने में क्या इशू है, और उस बात को इस यकीन से मानना कि यह बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही है। और अगर मुझे जाहिरी तौर पे किसी और आयत या हदीस से उसमें तआरुज महसूस हो रहा है, तो मैं बजाय इस कोशिश के कि एक चीज को रद्द करूं और दूसरी चीज पे अमल करूं, मैं क्यों ना, जो हमने तरीका क्या देखा था, पहले सबसे पहले किस चीज की कोशिश करनी है, जो तआरुज था उसमें किस चीज की कोशिश करनी है, जमा करने की, कि सबसे पहले कोशिश करें कि भाई किसी तरह हमें ऐसी कोई तौजीह समझ में आ जाए कि जिसकी वजह से हम इस पे भी अमल कर सकें और इस पे भी अमल कर सकें, बजाय इसके कि हम कोई अपना कानून बना के कह दें कि भाई इस पे हम अमल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें यह मसला है। ठीक है, यहां तक जो हमने डिस्कशन की है, अब नमाज का टाइम हो रहा है जी, तस्बीह या जमा जो है उसको करने की कोशिश करें। ये जो मसला है ये इसकी बुनियाद आपने समझनी है कि यकीनी और जन्नी या कतई और जन्नी का एक तो ये मसला क्या है, और ये कि किसी चीज का साबित होना और किसी चीज की दलालत होना, यानी कतई और सबूत और कतई और दलाला, इन दोनों में बहुत फर्क है। एक चीज यकीनी तौर पे साबित है और एक चीज का आप यकीनी तौर पे कह रहे हैं कि मुराद ये है, इन दोनों में बहुत फर्क है और इन दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। कोई चीज हो सकती है आपके पास कतई और सबूत हो कि इसका साबित होना कतई तौर पे है,
मिसाल के तौर पे यासीन कुरान की आयत है या नहीं है, कतई सबूत है। लेकिन मेरा ये कहना कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है, ये दलालत कहां से आ गई? ठीक है कि किसी चीज का कतई सबूत होने का मतलब ये नहीं होता कि वो कतई दलाला भी है। आप जो उससे मुराद समझना चाह रहे हैं वो किस तरह उस मुराद के मुआफिक है जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने दी थी, ये जरूरी नहीं है कि आपका फहम उनके फहम के ऐन मुताबिक ही आ रहा हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो नुसूस है, जो कुरान है, जो अहादीस है, उसको समझना पड़ेगा किसके फहम पे। सबसे पहले सहाबा के फहम पे समझना पड़ेगा कि सहाबा ने क्या इस बात को ऐसा समझा है या नहीं समझा। ठीक है, और उसमें अगर हम मुख्तलिफ तौजीहात निकालें कि भाई इन सहाबी को ये नहीं था या उन सहाबी को ये नहीं था या उन तक ये नहीं पहुंचा या उन तक वो नहीं पहुंचा, इस चीज को कंट्रोल करें, इस चीज को जिस हद तक मुमकिन हो कंट्रोल करें। आप इंशाल्लाह आगे कभी किताबें पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत खतरनाक खतरनाक बातें मुख्तलिफ किताबों में मेंशन होती है कि हाँ भाई ये बात तो है लेकिन उन सहाबी का ये, उन सहाबी को वो, माज अल्लाह। तो फिर हम जो एक ग्रुप से जो कि सहाबा के खिलाफ कहते हैं उनसे हमें क्यों इतना प्रॉब्लम होता है जब हम खुद जो इस तरह के अमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझना है इंशाल्लाह कि ये यकीनी और जन्नी का मसला क्या है और ये सबूत और दलालत में फर्क क्या है। फिर इंशाल्लाह उसूल फिक्र में भी ये मसला आएगा और आपके पास आगे जब आप इंशाल्लाह अहादीस या फिका पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके पास ये आएगा, खासकर जहां पे जब दो तीन मौकफ मुख्तलिफ होते हैं तो किस तरह ये वाली बात जो है वहां पे अप्लाई हो रही होती है कि किसने किस बुनियाद पे जो है किसी चीज पे अमल नहीं किया या अमल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मामले को क्लैरिटी से हम सबको समझने की तौफीक अदा फरमाए और इससे जो रिलेटेड अख्ता हैं, खताएं हैं, उन सबसे हम सबको बचने की तौफीक अदा फरमाए। इसको फिलहाल मैं डिक्टेट करके नहीं बता सकता, कोई मसला नहीं है, समझ आ गया, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।